कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO की रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन जिस तरह से होना चाहिए कुछ जगहों पर उस तरह से नहीं हो रहा है और कुछ एहतियातन कदम उठाने पड़ेंगे ताकि संक्रमण की गति को रोका जा सके। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिए थे कि नाइट कर्फ्यू एवं 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने के बारे में जिलाधिकारी अपने स्तर पर विचार कर लें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर ये निश्चित किया गया कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का सिस्टम रहेगा, जिसमें आवश्यक वस्तुओं का परिवहन एवं आवश्यक सेवाओं हेतु परिवहन बाधित नहीं किया जाएगा। अंतर्राज्यीय एवं इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट में कोई रोक नहीं होगी। साथ ही कोई व्यक्ति अगर अपने रोजगार के कारण एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, चाहे किसी सरकारी या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करता है, कोई चिकित्सीय आवश्यकता है, इस तरह की कोई आवश्यकता है जो ज़रूरी है, उसके लिए कोई रोकथाम नहीं की जाएगी। पर बिना मतलब के जो घूमना है या अनावश्यक बाहर भ्रमण है वो 10 से 6 तक वर्जित रहेगा। इसके साथ ही स्कूल कॉलेजेस की जो बंदी कक्षा 12 तक हुई है वो छात्रों के लिए हुई है, अगर कोई इम्तहान या कोई प्रैक्टिकल्स नहीं चल रहे हैं, लेकिन जो टीचर्स हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, उन्हें आवश्यकता अनुसार स्कूल कॉलेज या चुनाव की आवश्यकता अनुसार प्रशासन बुला सकता है। धन्यवाद।